So hello guys, welcome back to my channel Diksha Art and Craft. So guys, आज मैं आपको अपनी स्केचिंग का सामान दिखाने वाली हूँ कि मैं स्केचिंग किस किस चीज़ों से करती हूँ. So let's get started. So मैंने अपना सारा सामान इस ज्योमेट्री किट में रखा हुआ है. So इसे ओपन करते हैं. गाइस, इसमें मैंने बहुत सारी पेंसिल्स रखी हुई हैं जो मुझे सही लगती हैं स्केचिंग के लिए. सो ये गाइस मैंने ओपन कर दिया है. एंड गाइस, इस साइड है पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर, ये सब सामान. एंड गाइस, इस साइड है मेरी मैकेनिकल पेंसिल्स शेडिंग ब्लेंडिंग करने के लिए. एंड माय मार्कर्स गाइस, ये है मेरे पास अप्सरा की पेंसिल्स. ये ड्राइंग की है, आप यहाँ देख सकते हैं गाइस. यहाँ पे जो ये 6H लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 2 भी लिख रखा है, तो ये उसी हिसाब से चलती है. 6H मतलब लाइट एंड गाइस 2 भी मतलब डार्क. एंड गाइस यहाँ पे भी मेरे पास 3H गाइस, ये सबसे लाइट, ये 6H उससे डार्क, 2B उससे डार्क एंड गाइस ये सबसे डार्क 3B. तो गाइस ये बहुत अच्छी तरह से इससे हम स्केचिंग कर सकते हैं. एंड यहाँ पे मेरे पास ये वाली एंड गाइस ये वाली पेंसिल आपको पता ही होगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्रीज में मिलती है. एंड गाइस ये बहुत लाइट चलती है, तो ये अच्छे से हमारी जो शेडिंग है वो कर देती है. एंड गाइस यहाँ पे ऐसे मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं आर्ट लाइन की, डोम्स की, मतलब जो भी मुझे सही लगती है ना स्केचिंग के लिए मैंने वो इसमें रख रखी है बहुत सारी. एंड गाइस ये रखा हुआ मैंने वाइट नॉट एंड ये है इरेजर शॉपनर, ऐसे शॉप करेंगे. एंड ये मेरी इरेजर. एंड गाइस ये मेरे पास एक और इरेजर एंड ये लेड मेरी मैकेनिकल पेंसिल्स की. एंड गाइस अब चलते हैं इस पोर्शन में. सो यहाँ पे है मेरे पास मेरी फेवरेट पेंसिल जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखिए यहाँ पे हम इसे ऐसे चेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके. एंड गाइस यहाँ पे है मेरे पास सम मार्कर्स. This is blue marker permanent and this is black. And guys ये मैंने रख रखे हैं टिश्यू शेडिंग के लिए. इससे बहुत अच्छी शेडिंग होती है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी. एंड ये मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल्स, ये इसी की लेड है. एंड गाइस ये मेरे पास एक और मैकेनिकल पेंसिल. एंड गाइस इसकी लेड नहीं मिली थी, इसमें एक ही मिली थी. एंड गाइस ये मैंने ब्रश रखा हुआ है ब्लेंडिंग के लिए. एंड ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जैसे मैं ऐसे करती हूँ शीट पे ऐसे अच्छे से, इससे अच्छे से जो है ब्लेंडिंग होती है. This is a tissue for shading. And guys, ये है मेरी इरेजर. ये जैसे जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना साइड साइड्स में, तो जो ये वाली इरेजर्स होती हैं तो इससे क्या है ना वो शेडिंग भी इरेज हो जाती है. जब हमें साइड साइड का इरेज करना होता है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ. सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सारे स्केचेस. ये गाइस मेरा फर्स्ट स्केच. एंड जैसे कि मैं गई थी ना इरेजर से, ये देखिए गाइस जैसे कि मुझे अभी यहाँ से इरेज करना है, तो जैसे उसी इरेजर दूसरी इरेजर से करते हैं तो गाइस ये भी इरेज हो जाता है क्योंकि उसको मोटा है. एंड गाइस ज़्यादातर स्केच में मेरे A4 शीट पे ही हैं, ये भी A4 शीट ही थी, मैंने इसे कट कर लिया था जो बच गई थी. ये मेरी
थर्ड स्केच देख सकते हैं आप। एंड गाइस दिस वन इज माय फोर्थ स्केच। एंड गाइस ये वाली मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनी थी यहाँ से। एंड गाइस ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस आज की वीडियो में यही था। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मैं आपको शेडिंग करके भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्केच की मिलेगी, सो का वेट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।